होनी है। अब इस वक्त रमेश कुमार साहब ने भी ज्वाइन किया है, रिपोर्टेडली वो भी सिंध हाउस में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रमेश कुमार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो कंफर्म कीजिएगा, क्योंकि आपके हवाले से भी कहा जा रहा है कि आप भी सिंध हाउस में हैं, आप भी सेफ कस्टडी में ऑपोजिशन की, आर यू अवेलेबल इन सिंध हाउस राइट नाउ सर? देखिए मेरा तो अपना घर भी है और मैं सिंध हाउस में भी हूँ। बात सिंध हाउस की या इधर रहने की बात नहीं है, बात यह है कि मुल्क को किस नार्कली की तरफ लेके जा रहे हैं आप। जब जिस तरीके की पॉलिटिक्स, मैंने ऐसी 20 सालों की पॉलिटिक्स नहीं देखी जो इस वक्त की, जो गवर्नमेंट की तरफ से की जा रही है, जो एडवाइजर मुख्तलिफ एडवाइजर्स जो दे रहे हैं, हमारे मुल्क को जो है ना बहुत सिक्योरिटी रिस्क में डाला गया है। और मैं समझता हूँ कि OIC से पहले ये सारा जो मरहला है ये क्लियर होना चाहिए, मुल्क की बेहतरी के लिए जरूरी है। आज के इस जो है वो इंटरव्यूज के बाद जो अभी मीडिया के ऊपर आए हैं, 33 लोग PTI के जो है वो सेपरेट हो चुके हैं। तो कम से कम अब खान साहब को मोरली या ग्रेसफुली उनको सोचना चाहिए कि अब मेरा हक नहीं बनता है कि मैं OIC को चेयर करूं। मेरे हिसाब से रमेश कुमार साहब आप ये कह रहे हैं कि 33 नंबर है, इससे पहले हमने दो दर्जन सुना था कि 28 लोग हैं, आप कह रहे हैं 33 है।